वेलकम बैक टू द चैनल। तब मारुति 800 में इस वाला जो व्हील का जो बैरिंग होता है वो बैरिंग पूरा आवाज़ कर रहा है। तो पूरी इसकी जो हमने असेंबली है वो स्टीयरिंग की जो रॉड है एंड रॉड हमने वो खोल ली है, और बाकी हमने जो ब्रेक का कैलिपर की पूरी असेंबली होती है कंप्लीट असेंबली हमने खोल ली है। ये हमने खोल ली है पहले से, और ये जो बीच का इसका एक्सल का नट होता है ये हमने पहले ही खोल लेना है। गाड़ी के जैक में लगाने से पहले हमने ये नट खोल लेना है। तो अगर आप जैसे इस चेक करने के लिए आप देखिए आप इसे हिलाएंगे तो इसमें तो बैरिंग पूरा वेयर आउट हो चुका है, पूरे बैरिंग में प्ले है। तो ये हमारी गाड़ी इसकी वजह से पूरी अनस्टेबल चल रही थी, तो इसका बैरिंग है वो भी नया चेंज हुआ। और ये जो हमारा राइट वाला है वो बिल्कुल सही है, और जो लेफ्ट वाला है वो पूरा वेयर आउट हो चुका है। इसमें कोई साउंड नहीं है, कोई प्ले नहीं है, और इसमें पूरी प्ले है, बहुत ज़्यादा प्ले, हल्की फुल्की प्ले भी नहीं ज़्यादा। ये राइट वाला जो सही है बैरिंग, और ये है लेफ्ट वाला जो भी और आउट हो चुका है। तो अब इसका बैरिंग निकालने के लिए इसका ये वाला जो हब है, ये वाला जो कंप्लीट असेंबली है जिसमें हमारी डिस्क लगी है इस वाले से पूरी बाहर निकलेगी, और उसके बाद इसका अंदर से नया बैरिंग रख के इसमें नया बैरिंग चेंज होगा। यहाँ से जो ये चार इसके स्टड है, चार स्टड खोल के हमारी जो डिस्क है वो अलग हो जाएगी, और जो इसका सेंटर वाला पार्ट है जिसमें बैरिंग लगता है वो अलग हो जाएगा। तो इसमें मारुति 800 में जो नई वाली आती है MP5 उसमें तो पूरा कंप्लीट एक बेयरिंग आता है, और जो पुरानी वाली कार है उसमें अलग अलग दो बेयरिंग आते हैं। तो लेकिन कोई भी बेयरिंग किसी भी कार में लग जाता है। ये हब निकलने के बाद इस जगह पे यहाँ पर वो एक सरक्लिप होती है, सरक्लिप को निकालने के बाद अब जैसे हम किसी चीज़ से हैमर से मारेंगे तो पूरा कंप्लीट बेयरिंग बाहर आ जाएगा।